जय सच्चिदानंद, आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आपके साथ पति पत्नी के दिव्य व्यवहार के बारे में कुछ बातें करेंगे। बहुत ही नाजुक संबंध है पति और पत्नी का, सारी उम्र भर साथ में रहने का है, एक ही घर में एक ही कमरे में दोनों को सारी उम्र गुजारने का है। दोनों का अकेलों का व्यवहार है इतना ही नहीं, लेकिन उनके साथ साथ पति पत्नी के खुद के माँ बाप, भाई बहन, फिर उन दोनों के बच्चे, इन सब का बहुत बड़ा परिवार बढ़ते जाता है और इन सब के साथ व्यवहार उनको करना पड़ता है। दूसरों के साथ के व्यवहार के वजह से पति पत्नी के आपस में भी बहुत सारे व्यवहार होते हैं, जिसमें कभी राग के होते हैं, कभी द्वेष के होते हैं। जब दोनों इकट्ठा होते हैं तब दोनों को ऐसा लगता है कि हम दो एक ही है, हमारा फैमिली वन फैमिली है, ऐसा लगता है। और सबको बोलते हैं दिस इज माय फैमिली, माय मेरी फैमिली है, ऐसा बताते हैं। और इतना क्लोजनेस लगता है, बहुत ही प्रेममय बताते हैं, वन फैमिली है हमारी, तो वन फैमिली। अरे वन फैमिली है, परिवार अपना एक परिवार है, तो एक परिवार में फिर कभी मतभेद झगड़ा क्यों, मेरी तेरी क्यों होती है। माय फैमिली कहने के बाद तेरा मेरा दो अलग कैसे हो सकता है। पति पत्नी मेरा मेरे मेरा पति मेरी पत्नी मेरी फैमिली करते हैं, लेकिन जब दोनों के बीच में खिटपिट होती है तब तेरी मेरी हो जाती है। पड़ोसी के साथ जब झगड़ा करते हैं हस्बैंड पति पत्नी, तो दोनों मिलके पड़ोसी के साथ बहुत डांटते हैं, गालियां गलौज करते हैं, तुम ऐसे तुम्हारे घर में ऐसा है, तुम्हारे घर में वैसा है, हम तो इतने अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा करके दोनों में मतभेद होता है दो पड़ोसियों के बीच में। लेकिन जब उस समय पति पत्नी एक होके झगड़ते हैं, लेकिन जब घर में दोनों को आपस में मतभेद होता है तब मेरी तेरी हो जाती है दोनों के बीच में। पति कहता है कि तेरे में अकल नहीं है, तू ऐसी है, तेरे बाप ने क्या सिखाया है, तेरे मायके में ऐसा है क्या, तेरी माँ ने कुछ पढ़ाया नहीं तुझे। और पत्नी भी सुनाती है तेरी माँ तो कैसी है, कंजूस है, खाना भी नहीं अच्छा से खिलाती है, मेरे मायके में तो बहुत कुछ खाने पीने का है, तेरी बहन कैसी है, ऐसा मेरी तेरी हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर कहीं बाहर गांव जाना रहा तो गलती से एक साड़ी पति के बैग में डाल दी तो फौरन ही पति है तो गुस्से में आके बोलेगा मेरी बैग में तेरी साड़ी आई कहाँ से, क्यों डाली, अरे अभी तो वन फैमिली माय फैमिली करते थे और ये मेरी तेरी इतनी छोटी सी बात में कहाँ से हो गया। और छोटी सी बात में से बहुत बड़ा सा झगड़ा मोल लेते हैं और इतना बुरा दिखता है, मेरी तेरी, अरे जिसको हम वन फैमिली कहते हैं एक ही है, हमारा घर एक है, हमारे में कोई जुदाई नहीं है, इस तरह से रहने वाले को मेरी तेरी कहते सुने तो क्या लगेगा कि ये सब बकवास है, कुछ समझते ही नहीं है लोग। घर में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, बाहर पड़ोसी के साथ झगड़ो, बाहर कहीं तो भी झगड़ के आ जाओ, लेकिन घर में वन फैमिली मेरा परिवार जहां आप बोलते हैं उसमें झगड़ा कैसे कर सकते हो, खुद के ही साथ, खुद के ही लोगों के साथ, जिसके लिए हम मर मर करते हैं रात दिन, उसके लिए मेहनत करते हैं, एक दूसरे की खुशी के लिए जीते हैं, और उनके साथ ही झगड़ा, उनके साथ ही मतभेद, उनके साथ ही क्लेश कजिया, कैसा समझ है, सब उल्टी समझ है। इसलिए कुछ तो समझ होनी चाहिए, व्यवहार किस तरह से चलाना, व्यवहार कुशलता होना चाहिए, व्यवहार कला का ज्ञान होना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे को किस तरह से एडजस्ट होवे, किस तरह से एक दूसरे का ध्यान रखे ताकि कभी दूसरे के बीच में झगड़ा ना हो जाए, ये सब जागृति प्राप्त करने के लिए व्यवहार कला जानने की ज़रूरत है।
लेकिन आजकल देखो अनादिकाल से इसका ज्ञान कहीं भी मिलता नहीं है। क्या आप शादी करने के पहले कोई कॉलेज में गए थे, कुछ ज्ञान लिया था, कुछ सर्टिफिकेट प्राप्त किया था किस तरह से आदर्श पति होना चाहिए, किस तरह से आदर्श पत्नी होना चाहिए, आदर्श पति के लक्षण क्या क्या है, आदर्श पत्नी के लक्षण क्या क्या है, कैसे झगड़े को टालें, प्रेम से एक दूसरे के साथ रहे, मेरी तेरी कभी ना होने दे, ऐसा कोई कोर्स किया था आपने? नहीं, सर्टिफिकेट लेके फिर शादी के मंडप में बैठे थे आप? नहीं। फिर आपको किस तरह से अपनी बीबी के साथ निभाने को आएगा? कुछ एजुकेशन नहीं है, कुछ एग्ज़ाम नहीं ली, कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, पास ही नहीं हुए। तो अगर ये एग्ज़ाम पास किए बगैर आप शादी कर दे तो आप भी शादी के जीवन में, लग्न जीवन में फेल हो जाओगे। पत्नी हमेशा आपको सुनाया करेगी या पति अपनी पत्नी को सुनाया करेगी, शादी होने के बाद आपने मुझे क्या सुख दिया, मुझे कुछ सुख नहीं मिला है, उससे तो मैं आपके साथ शादी नहीं करती थी तो अच्छा था, मैं तो दुखी दुखी हो गई। लियो ऊपर से ये सर्टिफिकेट मिलता है अपने को, तो हमारी क्या इसमें अकल, कहाँ हमने अकल वापरी। सच्चा आजकल तो जो भी शादी करता है ना, अनसर्टिफाइड हस्बैंड एंड अनसर्टिफाइड वाइफ, कोई सर्टिफिकेट नहीं लेके आते। फिर किस तरह से, अगर ये सर्टिफाइड हस्बैंड वाइफ नहीं है तो फिर बच्चे कैसे होंगे और बच्चे को कैसे माँ बाप मिलेंगे, जो रात दिन घर में झगड़ते रहते, क्लेश क्लेश कजिया आपस में चलते ही रहता है छोटी छोटी सी बातों में। ऐसी ये छोटी छोटी बातों में अगर झगड़ा कर ले तो उसको किस तरह से समझदार कहा जा सकता है, किस तरह से एजुकेटेड फैमिली कहा जा सकती है। माय फैमिली कहने वाले में एक दूसरे के विचार में भिन्नता हो सकती है, लेकिन दोनों के बीच में क्लेश तो नहीं होना चाहिए। विचारवान है, बुद्धिवान, वो बुद्धि से भी एनालिसिस कर करके मतभेद तो उड़ा सकता है, संपूर्ण मतभेद टाल सकता है। ये भेद जो गिरता है वो बुद्धि भेद गिराती है, मेरी तेरी बुद्धि कराती है क्या? छोटी छोटी बाबत में बुद्धि का उपयोग होता है तो वहाँ मेरी तेरी हो जाती है और फिर प्रेम हार्मनी सब टूट जाती है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि दोनों के बीच में बुद्धि नहीं चाहिए, हार्टली होना चाहिए, हृदय से एक दूसरे से अटैच होना चाहिए, नहीं कि बुद्धि से। जब बुद्धि से बुद्धि बीच में आती है तो हार्टली अटैचमेंट टूट जाता है। और बुद्धि का काम क्या है, तो एक दूसरे के दोष दिखाना, एक दूसरे के बारे में कैलकुलेशन करते जाना, हमेशा कैलकुलेशन, इसने ऐसा किया उसके पीछे इसका किसका क्या मकसद होगा, ऐसा करती है तो इसके पीछे उसका कुछ फ़ायदा ज़रूर ढूंढ निकालती होगी, मुझे ऐसा करने के लिए, खुश करने के लिए उसको कुछ अभी लालच है, कुछ चाहिए मेरे लिए पास से, इसलिए ऐसा मेरे को खुशामद करती है, ऐसा सब दिखाता है, वो बुद्धि दिखाती है। अरे वो प्रेम से करती, खुशामद करती है तो मजा कर लियो ना, खुशामद मान लियो ना, और जब वो रूस जाती है तो आप खुशामद ढूंढते हो, और जब आपकी खुशामद करती तब आप उल्टा देखते हो, तो कब आपका उल्टा होगा, कभी इसमें प्रेम नहीं आएगा फिर। इसलिए जिस समय जो आया उसको एक्सेप्ट कर लो और आराम से पार निकल जाओ। तो ये मतभेद बुद्धि बताती है, जहाँ हमारा मत हो जाता है ना, मत की पकड़ हो जाती है ना, फिर भेद गिरने को देर नहीं लगती है। हमारा मत ही ना रखो, जो समय जो होता है वो किसी के मत के हिसाब से नहीं होता है, वो कुदरत का न्याय है, व्यवस्थित है, व्यवस्थित शक्ति चलाती है, इसमें किसी का है चलता नहीं है। फिर हम हमारा ही मत लेके उस हिसाब से इस घर में सबको चलाना चाहिए जाते हैं तो फिर मत भेद हो जाता है, बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती इसलिए भेद हो जाता है, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्लेश कजिया सब चालू हो जाता है। और ये बुद्धि बताती है, पत्नी हमेशा डिमांड करती कि आप तो कितने साल हो गए नए सोफ़े लाए नहीं, 15 साल से यही पुराने सोफ़े मैं
वाप यूज़ कर रही हूँ, इसका अभी कितना सब उसकी जो है तो कवर फट गए हैं, उसकी रिंगा सब टूट गई है, सब उसका रू कापू सब बाहर आ गया है। तो अभी किस तरह से मैं ये सोफ़ा चलाऊँ? मेरे घर में जब मेहमान आते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारा घर इतना ख़ानदान है, इतना हमारा नाम है, और घर में सोफ़ा देखो तो कितने पुराने झरझरीत हो गए हैं, बैठने को भी नहीं जमते हैं। बैठने गए तो अंदर से वो स्प्रिंग लग जाती है, फड़ाक करके तो खड़े हो जाते हैं। और परसों है तो मेरी सहेली आई थी ना, उसका इतना जोर से चुप गया तो चिल्लाते चिल्लाते चली गई घर पे। अभी कुछ तो सोचो, नया सोफ़ा बसाओ, कहाँ तक ऐसे कैसे कंजूस रहोगे? तो पति भी बड़ा लोभी होता है, वो भी कहता है चलाओ ना, थोड़ा रिपेयर करके चला, क्या उसमें हो गया, अपनी खानदानी कुछ नए सोफे से थोड़ी हो जाती है, हमारा दिल तो बड़ा है, हम इसमें थोड़ी वापरते हैं, हम सबको मेहमान को अच्छी तरह से बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं, वही हमारी खानदानी है, अच्छे सोफे में बिठाए वो कुछ खानदानी नहीं कहा जा सकती है। इस तरह से दोनों के झगड़े होते जाते हैं छोटी सी बाबत में। अब पतियों ने भी समझना चाहिए कि 15 साल से जो नए सोफे मांगती है तो कभी तो लाना पड़ेगा ही, कहाँ तक इसी कंजूसाई करोगे। तो इस तरह से थोड़ा एक दूसरे का निभाना पड़ता है, एक दूसरे की बात पसंद नहीं है फिर भी करना पड़ता है। हर कोई चीज़ पति को पत्नी की पसंद होती है या पत्नी को पति की पसंद होती है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। कितनी सारी चीज़ें एक दूसरे को नहीं है पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी मजबूरन करना पड़ता है एक दूसरे को खुश रखने के लिए, एक दूसरे के अंदर प्यार जारी रखने के लिए। नहीं तो मतभेद हो जाए, होने को कितनी देर लगेगी? एक सेकंड में मतभेद होगा और फिर टूट जाएगा दिल, क्योंकि बुद्धि का काम ही है तोड़ना है, बुद्धि का काम है और हृदय का काम जोड़ना है। हार्ट हृदय यानी हार्टिली होना चाहिए, हृदय से, हृदय में, हृदय से अगर आप अटैच हो अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ तो आपको कभी उसका उसकी गलतियां नहीं दिखेगी, दोषित नहीं दिखेंगे, जो भी करे आपको एक्सेप्ट ही होगा, प्रेम प्रेम और प्रेम ही लगेगा। ये तो बात बार बार बात बात में ऐसा, तू ऐसी तू वैसी, तुम ऐसे चलता ही रहता है ये सारा दिन, तो क्या सारी उम्र मरते तक चलता है, तभी इसका अंत नहीं आता है। पत्नी के साथ और पति पति के साथ एक दूसरे के साथ घर में जो टकराव होता है तो थोड़ा समय तो हुआ तो ठीक है, चलो क्लेश हो गया अपन समझेंगे, लेकिन फिर लंबा 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 इतना लंबा आता है तो उसको फिर मुंह चढ़ा के फिरती है पत्नी, बोलती नहीं है, रुस जाती है, फिर है तो खाना नहीं खाती है, खाना नहीं पकाती है, पत्नी के अंदर अंदर इतना झगड़ा करने का मूड आ जाता है। और ये सारा किसके लिए करती है? अपने इच्छा के विरुद्ध कुछ घर में हुआ तो उसको सुलटाने के लिए, अपने इच्छा के हिसाब से कराने के लिए सबको नचाती है, और पति को तो बिल्कुल कठपुतली के जैसा नचाती है। तो वो फिर घबर जाता है कि ये बोलती नहीं है, रूस गई है, खाना नहीं खाती है, कमरे में बंद करके बैठ जाती है। तो ये सब देख के पति का वज्र जैसा हृदय मोम के जैसा पिघल जाता है, वो बेचारा घबरा जाता है, अब मेरा क्या होगा, इसको किस तरह से मनाओ। और हृदय से उसके साथ पत्नी के साथ अटैच तो रहता है, तो उसका ये रौद्र स्वरूप देख के वो बेचारा घबरा जाता है कि अभी क्या होगा, ये मैके चली जाए तो मेरा क्या होगा, दूसरी कहाँ से लाऊंगा। और वो भी समझ के वो रहती है अंदर ठंडा कलेजे से रहती, ये तो सब नाटक है, ये लोहा अभी तो मैं गर्म कर रही हूँ, बराबर गर्म हुआ तो फिर उसको हथौड़ा लूँगी तो मेरे को जैसा चाहे वैसा उसको मैं मोल्ड कर सकूँगी। सब ये कैलकुलेशन के साथ ही अबोला रूस जाना, खाना नहीं खाना, ये सब पत्नी नाटक करती है।
और भोले पति देव नाटक में आ जाते हैं और घबरा जाते हैं, और फिर वो जो कहती है सब कबूल हो जाते हैं। नया सोफा तो क्या, नया पलंग लाते हैं, नया फर्नीचर, नए कबाड़, सब नया ला लेता है उसको खुश करने के लिए। वो भी समझ जाती है कि ये अच्छा तरीका है, अब मेरे पास एक मास्टर की हाथ में आ गई। जब भी कभी मुझे मेरी इच्छा के मुद्दप करना है तो मैं अपना यही हथियार यूज़ करूँगी, रूस जाऊँगी, उसके साथ अबोला कर दूँगी। तो फिर वो घबरा के मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करने कर देगा, नहीं तो फिर दोनों के बीच में इतना लंबा चलता है कि रात को जो झगड़ा हुआ तो कई दिनों तक, हफ्ते हफ्ते तक, दो दो हफ्ते तक झगड़ा चलता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाता है एकदम उल्टा। वो कहेगी उत्तर में जाना है तो हस्बैंड कहेगा नहीं दक्षिण में जाना है। वो कहेगा आज है तो जलेबी और ये बनाओ, भजिए बनाओ, तो पत्नी कहेगी नहीं आज तो मैं खिचड़ी ही बनाऊंगी। लियो हर बात में 36 का आंकड़ा, कभी 63 का होगा किसको मालूम। तो 36 का आंकड़ा यानी क्या, झगड़ा हुआ रात को दोनों सो गए तो भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, वो मुंह फुगा के बैठेगी, फिर सो जाएगी तो भी मुंह फुगा के और मुंह फेर के, हस्बैंड का मुंह दूसरी तरफ, पत्नी का मुंह दूसरी तरफ, सारी रात 36 का आंकड़ा, एक दूसरे के साथ बात नहीं। सुबह में उठने के बाद पति देखेगा तो पत्नी तो है नहीं बिस्तर पे, किचन में कुछ कर रही है, अंदर सोच रहा है अभी क्या होगा, रात की बात वो चलती होगी उसके दिमाग में कि भूल गई होगी। तो हौले से जाएगा डाइनिंग टेबल पे, ब्रश करके बैठ जाएगा, सोचेगा कि अभी आज मुझे चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर भी ऐसा नखरा करता है, नाटक करता है, न्यूज़पेपर लेके पढ़ने का ढोंग करता है कि चाय की राह तो देखता है अंदर कब आएगी। वो दिल में उसका कैलकुलेशन है, अगर चाय आ गई तो समझना कि 50% सॉल्यूशन हो गया उसका, और चाय नहीं आई तो अभी पूरा 100% चालू है। तो पत्नी भी क्या करेगी, उसको भी तो चाय पीना है, बच्चे को पिलाना है, तो बनाएगी तो सही। फिर बनाते बनाते उसको कहे जाने दो, नौकर को एक कप चाय रोज देती हूँ तो एक आज इसको भी दे दो, थोड़ा नौकर से गया है वो, ऐसा करके और एक कप बना देती है। फिर वो आके बैठा देखती है, वो बैठ गया है बड़े मज़े में बैठा है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, मेरा यहाँ दी जी जलता है और ये आराम से पेपर पढ़ता है। क्या क्या पढ़ता है, ओ फिल्म की एडवर्टाइज पढ़ता है, मैट्रिमोनियम पढ़ता है। अरे मेरा तो मैट्रिमोनियम सब पत्र रगड़ दी और अभी दूसरों का पढ़ता बैठा है। और ऐसा अंदर जलती आती है, चाय का कप लेके आती है, प्याली लाके यूं टाक करके ठोकती है टेबल पर और यूं करके चली जाती है। तो पति समझा चलो अपने ठोक के गई तो गई, लेकिन चाय तो मिली, 50% अपना सॉल्यूशन हो गया, बाकी का 50% देख लेंगे खाने के टाइम पर, या बच्चों के बारे में कुछ तो होगा ना तभी निकाले। वो एक दूसरे के अंदर इंट्रैक्शन चालू हो गया, यानी समझ लेना कि अभी अपना समाधान होने के तरफ है। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन पति पत्नी के रूठने पे चालू हो गया तो समझना कि अभी है तो अच्छा होने लगेगा, वो झगड़ा शमने लग रहा है, दूसरे को अभी एडजस्ट होने की तैयारी हो गई। क्योंकि कहाँ तक एक दूसरे से सुसेंगे, एक दूसरे के बगैर चलता तो नहीं, रूट के कहाँ तक चलेंगे, कितने दिन चलेगा, यानी समाधान तो करना ही पड़ता है। अंदर तो दोनों को चलता है कि कुछ समाधान चाहिए, समाधान करना चाहिए, लेकिन कौन करेगा पहल, कौन जाके बैलेगा पहले उसके साथ एक कि भाई मेरी गलती हो गई, भाई तेरी गलती नहीं है, ऐसा पहले बोलने की हिम्मत कौन करेगा। बीच में आएगा सबसे बड़ा तगड़ा ईगो, पति पत्नी के बीच में ईगो का मामला बहुत खतरनाक होता है। ईगो यानी अहंकार हमेशा यही बताता है मेरा सच है, मेरी गलती है नहीं, उसकी ही गलती है, सामने वाले की गलती दिखती है, खुद का तो सब बराबर है ऐसा ही दिखता है।
तो वो किस तरह से उसके पास माफ़ी मांगने जा सकता है। तो यही प्रॉब्लम होता है। तो लंबा चलता है तंत्र, चलता है तंत्र। तंत्र यानी रात का हुआ झगड़ा सुबह में भी चाय का कप यूँ टचाक करके फेंकती है, जोर से धाड़ करके रख के दे चली जाती है मुंह फेर के। इसका नाम तंत्र, रात का तंत्र अभी गया नहीं है, बहुत लंबा चलता है, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या। और इसके लिए समझ की ज़रूरत है कि इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें किस तरह से सुलझाया जाए, ये कब बंद हो जाएगा, क्लेश घर में कैसे बंद करना चाहिए। कभी इसका अंत ना आए तो समझना कि अपनी जानवर गति में जाने का रास्ता है। अरे चालू रखना है या बंद करना है, चालू रखना है ने आग में पेट्रोल डाले रखो, डाले रखो, डाले रखो। और जिसको बंद करना है वो तो पेट्रोल की जगह पानी डालता है, ठंडक कर देता है। ऐसा समझ समझ के चलना पड़ता है। इसमें क्या फ़ायदा है, झगड़ा मूलने से फ़ायदा क्या है, कुछ फ़ायदा नहीं है क्या। इसमें कज्जिया 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 सारा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर काम पे गया तो हस्बैंड के काम में बरकत नहीं आती है और पत्नी का भी दिमाग आउट हो जाता है, बच्चों पे चिढ़ जाती है, सास पे चिढ़ जाती है, काम वालों पे चिढ़ जाती है, क्योंकि उसका मगज माइंड ख़त्म हो गया है, बिगड़ जाता है। वो सारा दिन कज्जिया चलता है तो बहुत लंबा चलता है। उसका नाम कज्जिया, पकड़ पकड़ के रखते हैं, छोड़ नहीं देते, भूल पाते नहीं, भूल ही पाते, पकड़ पकड़ के रखते। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, बाप बेटी और माँ तीनों घर में रहते हैं, एक फैमिली है हमारे पास आती है, तो उसके पति पत्नी और बेटी, इतना ही छोटा सा फैमिली है, सब भी बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही होशियार है, लेकिन माँ और बेटी को काम के बारे में हमेशा किटकिट होती रहती है। माँ हमेशा कहती है कि तू कुछ काम नहीं करती है, तू ऐसा बिगाड़ती है वैसा। वो कहती है कि मैं पढ़ाई करूँ, तेरा काम करूँ, या मेरा और कुछ अदर एक्टिविटी करूँ, मैं सब जगह पर तो नहीं पहुँच पाती। तो मदर उसके साथ, माँ हमेशा उसके साथ किटकिट करती है। सुबह में उठते ही ये सब माँ दी बेटी का चालू हो जाता है, इतना बड़ा झगड़ा होता है, इतना बड़ा झगड़ा होता है कि फिर बेटी है तो रोती रोती अपने पिता के पास जाती है, पिता मुझे कुछ न्याय करेगा करके। तो समझ जाता है कि ये पत्नी गलत पीछी पड़ गई है बेचारी के, इतनी सी छोटी उम्र की लड़की है, कितना काम करेगी, क्या कहाँ कहाँ करेगी। तो फिर हमेशा पत्नी के सामने बेटी का ही पक्ष लेता है और पत्नी को डांटता है कि तू ऐसा क्यों करती है, तू समझती क्यों नहीं है, छोटी है, जाने दे, तू कर ले थोड़ा, मुझे दे, मैं कर लूँगा काम, लेकिन उसके उसको इतना मत बोल। तो उसको और बुरा लगता है पत्नी को, कि ये इसको लगता है कि मैं मुझे मेरे पक्ष में रहने के बदले वो तो बेटी के पक्ष में चला गया, वो तो बेटी का हो गया, तो और उसको प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो अपना अपना कहा बेटी मानती नहीं है, बेटी का पक्ष पति लेता है, यानी पति मेरे पक्ष का नहीं रहा और बेटी के पक्ष का हो गया, तो वहाँ उसको जेलसी होती है, उसका पजेसिवनेस टूटता हुआ लगता है, इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है माइंड में। तो बात बात में बेटी के वजह से हस्बैंड वाइफ में बहुत बड़े झगड़े होते हैं, इसकी वजह से पति हमेशा बीमार रहता है, पत्नी भी हमेशा बीमार रहती है, साइकोलॉजिकली दोनों ब्रेकडाउन हो जाते हैं। तो ऐसे कपल को, ऐसे फैमिली में हमारे दादाजी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको ये सब रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो हमारी ही गलतियों का परिणाम है। तो फिर वो खुद समझ के सच्चा रास्ता प्राप्त करके ये सारे झगड़े तंटे सब कुछ अपने जीवन में से ख़त्म कर डालते हैं और अपना जीवन प्रेममय शांतिमय पति पत्नी के साथ गुजारते हैं। तो इस तरह से पति पत्नी में एक दूसरे को समझ के खुद की जीवन खुद का जीवन पूरा करना चाहिए, समझ से ही काम होगा। उसके अलावा और कोई चीज़ हमारे पति पत्नी के व्यवहार में काम नहीं आएगी। जय सच्चिदानंद।